मैं तेरा दोस्त हूँ, मैंने दोस्त होकर तेरे लिए क्या किया है आज तक, और साले अंधे को देख, अपने लंगड़े दोस्त के लिए उसने कितनी तकलीफें सही। अरे मगर इसमें रोने की क्या बात है? क्या बच्चे की माँ भी रोता है? अरे घेरे जाओ नहीं, घेरे जाओ नहीं, घेरे जाओ नहीं, घेरे जाओ नहीं, अपन जल्द मर जाओ। मैं तो इस अंधे से भी क्या गुजरा हूँ, अंकों वाला हो कर मुसीबत। चाचा आप समझाओ इसे। माय डियर मुन्ना, अपने बचपन का रोना जवानी में पूरा कर रहे हो, फॉर फीलिंग दी ब्लैंक। माय डियर चाचा, यस यस, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कर सका मैं अपने इस कायर, कुछ नहीं कर सका अपने इस। अरे मुन्ना, इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ कर सका है आज तक? है तो फिर इस दुनिया में जीने का ही क्या फायदा? मैं अपने दोस्त के काम नहीं आ सका, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाना चाहिए। अरे आशा, अरे आशा क्या हो गया? अरे आशा, आशा क्या हो? बात दिल पे लगी है, है? दिल्ली वाले दिल, दिल, दिल। अरे अजून पर टाइम है, चलो जय्या अस्पताल में ले जाएगा, करंट लेके चालू कर देगा। यू आर राइट, यू आर राइट। अरे क्या हुआ मेरे दोस्तों, क्या हुआ? जाओ, चलो 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 चलो, उठ जा उठ जा, खेल खत्म, पैसा हजम। देखा प्रताप का कमाल? अरे तेरा क्या कमाल, कमाल तो साला जमाल का है, रो रो के गंगा जमुना बहा दिया उधर, रोता भी गया और पब्लिक को धोता भी गया। अरे साला तुम लोग पाकिट मारे? इसका बटुआ कौन सा है? ये ले पकड़ अपना पाकिट और बंद कर जबान। जबान बंद करने का बात करता है, हम तो पुलिस में कंप्लेन करेगा। टैक्सी रोको, तुम्हारा साथ दिया छोड़ दो, और ये लो हमारी तरफ से मीटर का भाड़ा, चल भावा कमती हो रहा, चल ठीक देता है क्या? पुलिस के पास जाएगा, कौन मानेगा बात इसकी, ये रहा साला। चल चलते। ओ सलाम खान साहब, क्या बात है, आज बहुत जोर का सलाम मारा जा रहा है, कहीं लंबा तो नहीं मारा? क्या बात करते हैं खान साहब, अभी तो अपुन बिल्कुल एकदम लाइन पर है। हाँ साहब, ये देखिए अपुन तो पिक्चर देखिए आलो है साहब, ये देखिए टिकट। और क्या मस्त पिक्चर है साहब, दोस्ती। हाँ हाँ, आप भी जरूर देखना साहब। ओह हो, अंधे और लंगड़े का क्या दोस्ती दिखाया साहब। हाँ हाँ, क्या रुलाया दोस्त। हाँ मैं बहुत रोया। हाँ आप जरूर देखना साहब, क्या जोड़ी है दोनों का, वाह वाह वाह। तुम दोनों की जोड़ी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, रोज नए नए हथकंडों से पब्लिक को लूटते हो आप। हथकंडे? किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे, समझे? जा यहाँ से, जा। जाता हूँ खान साहब। क्या है खान साहब, सही बोलते हैं प्रताप, बड़े लगता है धंधा बदलना पड़ेगा। यार लाइन बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इंस्पेक्टर खान पीछा नहीं छोड़ने वाला। हाँ मगर तू भी उसका पीछा छोड़ दे और लाइन बदल ले। किसका पीछा? उसका। उसका यार क्या है, उधर तो अपुन का ग्रीन सिग्नल है, उधर तो लाइन बदलने का सवाल ही नहीं उठता। चल फिर चल, आजा। नहीं सुधरेगा ये। Bye.
अच्छा बजाया तुम लोग, शाबाश। वाह सितारा वाह, कमाल कर दिया तुम। क्यों झूठी तारीफ करते हो? अरे झूठी तारीफ करने वाले तो चले गए, पन क्या है, अपन तारीफ करेगा तेरी तो तेरे को झूठी लगेगी। क्यों अपन कोई शायर वायर तो है नहीं जो बोलेगा तेरी आवाज कोयल जैसी है, तेरा चेहरा चांद जैसा है। पर क्या है, चांद पर भी कुछ नहीं है आजकल, मालूम पड़ गया ना। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या है। हाँ? दिल में क्या है? प्यार है तेरा, जो हर रोज मेरे को यहाँ खींच के ले आता है। तो फिर रोज नीचे किसे देखा करते हो? हा? क्या किसी और से भी दिल लगा रखा है? नीचे हो? हाँ दिखाता हूँ तेरे को, तू भी देखेगी तो दंग रह जाएगी। आजा देख, वो जो बैठा है ना नीचे, वो मेरा दोस्त है, जिगरी यार। दोस्ती के खातिर इन गलियों में तो आ जाता है, लेकिन कोठे की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ता। डागा अभी मरा नहीं, जिंदा है। और तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो कि इस धंधे में अगर किसी की ईमानदारी की कसम खाई जाती है तो वो भी डागा की। डागा सेठ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी किसी पर था, वो मेरा पालतू कुत्ता सिंघी जो कल तक मेरे जूते चाटता था, आज वो मेरे सर पर बैठने की कोशिश कर रहा है। हमारे माल को अक्सर वही लूटता है। डागा सेठ, गुलाम आज भी हाजिर है। मुझे देखकर हैरान हो गए कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे।
तुम तो समझे थे मुझे अंदर करवा कर धंधे से लगे रहोगे, क्यों? उठा लो ये माल, और अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की या हाथ हिलाया तो यहां पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। ये रही मालिक के लिए वफादार नौकर की भीख। दागा सेठ, बाजार छोड़कर भागना नहीं, दुकान खुली रखना, मैं फिर आऊंगा। क्या कोई ऐसा नहीं जो इस हरामजादे का सर कुचलने में मेरी मदद करे? हैं, जमाल और प्रताप। आओ भाई आओ, तकदीर का खेल है कभी घी कभी तेल है, फुटपाथ कभी जेल है। आ जाओ भाई, सच्चा खेल है, कोई चीटिंग कोई चालबाजी नहीं। मुट्ठी पर लगाओ, झोली पर कमाओ। एक का नौ दो का अठारह, एक का नौ दो का अठारह, पंजा खाली है, पंजा खाली है। एक का नौ दो का अठारह, पंजा खाली है, पंजा। सारा माल सरकार का, थैंक यू। हट बे, एक करो दो का अठारह, तकदीर वाले की चांदी कंपनी का दीवाला। आ जाओ, अरे दीवाला निकाल देगा, आज ख्वाब में नंबर मिला है आठ, और आज खड़ी करूंगा मैं। अरे फिर तू भी, इक्का खाली है, इक्का खाली है, इक्का खाली है। आ जाओ भाई, एक करो दो का अठारह, एक करो दो का कंपनी का दीवाला। एक कनौ दो, अपुन का हिस्सा किधर है? अपुन के एरिया में सारा माल कमा रहे, अपुन से पूछे बगैर? हाँ, मैं कभी किसी से पूछ कर कुछ करता नहीं हूँ। लगता है साला अपुन को पहचानता नहीं क्या? बिड़ो, इसका एक जोड़ीदार भी है क्या? कहाँ है रे तेरा दूसरा जोड़ीदार? ओहो, वो मुलुक गेल है। मुलुक गेल है? अपुन को टोपी बनाता है क्या? किसी में दम जो सामने आए? हाँ है। मैं बताती हूँ कौन है। काला क्या बना खाने में? माफ करना भाई, चलो भागो जल्दी आओ। अरे रोज एक नया हंगामा, एक नया तूफान लेके आते हो घर में। मम्मी ने हराम कर दिया, नाम कर रखा है मेरा। तुमने कह रहा था कि माँ, तुम दोनों इसी के काबिल हो, तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ के बिठा देना चाहिए। यहाँ बन जाओ मुर्गा, बन जा। तुम दोनों जिसको मार रहे थे उसको कुछ हो गया होता तो? कुछ नहीं होता माँ। अरे उसके भी तो आगे पीछे कोई होगा, माँ बीवी बच्चे, वो सब उसको रोते रहते और मैं तुम दोनों को रोती रहती। तुम दोनों से तो मेरा हबीब अच्छा था, न किसी के लेने में न देने में, बेचारा सीधा साधा था, सीधा आता था सीधा जाता था। हाँ माँ, अब हम भी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सुधर जाएंगे माँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे कुत्ते की तुम, 12 बरस नदी में रखू ना तो भी तेरी की तेरी। नहीं माँ, सीधी की सीधी
देखो मैं बाजार जा रही हूँ और जब तक मैं ना लौटूं तब तक ऐसे कैसे ही मुर्गे बने रहना। ऐसे मुर्गे बन के रहेंगे। हंगामे में मैं थाली ही भूल गई। हाँ शाबाश ऐसे ही रहना। भूल गई थी माँ। खबरदार जो हिले तो। जरा सा टेढ़ो हो जा बार चल माल निकाल माल। अरे ठहर जाना यार जल्दी क्या है आ जा। माल जी तो ये आपका ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये ये तेरा ये मेरा ये उसका डॉक्टर के लिए ये। अरे तेरी खांसी के इलाज के लिए चल मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चल। नहीं यार मेरी खांसी का इलाज ना भी हुआ तो मैं मरने वाला नहीं हूँ मगर ये पैसा अगर मेरे भाई के पास नहीं पहुंचे ना तो उसकी पढ़ाई की चक्री चलते चलते रुक जाएगी। ओ तू सही है बाप बैठ के पाल खांसी को और भेजता रहा भाई को भत्ता और खांसते रहा यूं ही जिंदगी भर। गाय को खाली पीली गर्म होता है यार तू तो जानता है मैं अपने भाई को कितना चाहता हूँ और फिर माँ को वचन भी तो दिया है कि एक दिन पढ़ा लिखा कर नागेश को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। डांस किसी के साथ करता है और ऐश किसी और के साथ। तकदीर का खेल कभी घी कभी तेल इक्का खाली अरे इक्का खाली है इक्का। अरे रुक गया इक्के पे रुक गया सारा माल सरकार का। अरे भाई कहाँ जा रहे हो एक बार तकदीर और आजमाओ। अरे लगता है महीने का आखिरी दिन है साला पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है। 10,000 हर घर पर 1,000। सर जी यहाँ तो 40-50 का ही खेल हो रहा है लगता है आप रास्ता भूल गए। रास्ता नहीं भूला हूँ बल्कि रास्ता बताने आया हूँ। तुम लोग चालाक हो लेकिन साथ में बहादुर भी हो। देखो मेरे भेजे हुए आदमियों को तुम दोनों ने मारकर इसका मुकम्मल सबूत दिया है। फिर तुम इस धंधे में 150 कमाते हो। अगर मेरे साथ धंधा करोगे तो लाखों कमाओगे। लाखों दोस्त लाखों के चक्कर में सालों की जेल भी हो सकती है। और आप उनका जेल जाने का अभी कोई इरादा नहीं है? नहीं बिल्कुल। तुम्हारी मर्जी। वैसे ये मेरा कार्ड है अगर तुम्हारा फैसला कभी बदले तो मेरे पास आ जाना ठीक है। बहुत पुराना चावल लगता है बिड़ू। हाँ बाप बहुत पुराना रागी मालूम होता है। सितारा एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब भी अब उन लोग इधर आते हैं तू कुछ चुप चुप से हो जाती है क्या?
ये जगह ही ऐसी है जमाल, यहाँ कितना सुकून है। और वो कोठा एक जहन्नुम है जहाँ हर वक्त मैं डर की आग में जलती रहती हूँ। वो इसलिए कि यहाँ उस ऊपर वाले की कुदरत चारों तरफ फैली हुई है और वहाँ उन गली बाजारों में शैतान घूमते हैं। वो शैतान किसी दिन तुम्हारी सितारा की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जमाल, तुम हमेशा के लिए मेरी जिम्मेदारी ले लो, मुझे उस गंदे माहौल से निकालकर अपनी उस दुनिया में ले चलो जहाँ सालिम जमानत हो गया, तकदीर भी मुझे तुमसे छीन न सके। घबरा मत, मैंने तुझसे प्यार किया है, तेरे को अपना खींच रहूंगा मैं। तो फिर देर मत करो जमाल, क्योंकि जब भी मैं घुंघरू बांधती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे काले नाग मेरे पैरों से लिपट गए हो। तो फिर उतार फेंकना इन घुंघरुओं को। सच? हाँ। तो फिर आज से मैं घुंघरू फेंक दूंगी और नाचना गाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। तो फिर चल, तुमको माँ से मिलाता हूँ। अच्छा माँ। हाँ? माँ तू कहती थी ना कि अब मेरी उम्र कहाँ रही काम करने की। हाँ। दिन भर काम करते करते मैं थक जाती हूँ, तुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, फिर बर्तन मांजने पड़ते हैं। अब तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा माँ, अब ये आ गई है। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? मैं बताता हूँ माँ, इसका नाम है सितारा। अभी आसमान पर नहीं, इस घर में चमकेगी। और हाँ, और अब आगे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। बेटी, जमाल की पसंद मेरी पसंद, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुई। अरे इस खुशी के मौके पर तो सबका मुंह मीठा करना पड़ेगा, अभी मिठाई लेके आ। बेटी, इसकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, अब मैं अपना अरमान भी तो पूरा कर लूं। इसके लिए मैं अंगूठी लेके आती हूँ। जमाल, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुमने तो मेरी तकदीर ही बदल दी, मेरे पैरों में से घुंघरू निकालकर अपने प्यार की जंजीर बांध दी। हाँ, प्यार की मिठास शादी के बाद चखना, फिलहाल मुंह मीठा कर। अभी ठहरो। बेटी, ये मैंने अपने बेटे हबीब की धन के लिए संभाल के रखी थी। तू भी मेरी बहू ही तो है, हुँ? अब तू भी कोई ढूंढ। ढूंढता हूँ, पहले मिठाई। नहीं, पहले तू खा ना। ले, तू भी खा ले। पहले तू। ये दुनिया उनके लिए है, हर के रंग में जो जीते हैं। ये दुनिया उनके लिए है, हर के रंग में जो जिंदगी है प्यारो ला, खुशी से गुजार दे, नफरत से भला क्या होगा। चार दिन की यारो ला, जिंदगी है प्यारो ला, क्यों ना खुशी से गुजार दे, नफरत से भला क्या होगा। आपस में मिलजुल के दुख सुख बांटते ही
रंग में जो जीत है ये दुनिया। यार हम है जानी पत्थर को कर दे पानी आग से खेलते हैं हम करते हम नहीं मौत से भी। यार हम है जानी पत्थर को कर दे पानी आग से खेलते हैं हम डरते हम नहीं मौत से भी। जो भी माना है मुझका अंजाम खुदा जाने और जो भी होना है उसका अंजाम खुदा जाने। ये दुनिया उनके लिए हर एक रंग में जो जीत है। अरे आज भी काफी देर हो गई। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी बेटे। तुम क्या हुआ? अरे वो कमीना साहूकार द्वारका सेठ हमें घर से बेघर करने के लिए आधम का। क्यों बेटा? मेरे बेटे हबीब की पढ़ाई के लिए मैंने घर गिरवी रख के 10,000 रुपए लिए थे। मुझे क्या मालूम था कि हबीब फौज में भर्ती होकर जो लड़ाई पे जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा। बेटा तो खो बैठी, अब मैं घर भी खो। नहीं माँ, रो मत, अभी तेरे ये दोनों बेटे जिंदा हैं और अपन दोनों के होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चल जा माँ। अरे बेटे, बेटे थोड़ा छोड़ देना बाप, अभी इनको भी पिलाना पड़ेगा। बिहारी जी, सेठ जी ये भी आ गए? आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ सेठ जी, बुढ़िया के चमचे जो हैं। चमचे नहीं, अपने माँ के बेटे हैं और तुम्हारे बाप। देख लिया अपने पिल्ले का हशर। अब अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो घर की एक एक चीज जहां रखी हुई थी वहीं वापस रख दे। करेक्ट बस? बराबर। घर का सामान तो क्या, घर के लोगों को फिकवाने की ताकत रखता है द्वारका। अरे आप उनके दरवाजे पे तो शेर नहीं दहाड़ सकते, तो कुत्तों को क्या भौंकने देंगे हम। करेक्ट बॉस? सेठ जी
इस तरह यहाँ छुप छुप के रहने से तो अच्छा है आप मेरे साथ मेरे गांव चले चलिए। अरे छिपता कौन है रे? हाँ मैं तो तूफान के टलने का इंतजार कर रहा हूँ, और फिर तू क्यों डरता है? मेरे पास बहुत दौलत है। वो तो मैं जानता हूँ, जिसके पास दौलत होती है ना उसे सात खून माफ होते हैं। और का हरामजादे, तू पुलिस से इसलिए बच गया क्योंकि पुलिस को नहीं मालूम कि चूहे बिल में छुपकर बैठते हैं। तेरे आगे भी मौत है और तेरे पीछे भी मौत द्वारका। रुक जाओ, जमाल! जमाल? किसी भी तरह अपन के दोस्त को बचा लीजिए, अपन तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और तुम जो कुछ भी कहेगा अपन करेगा। प्रताप तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे दोस्त को बचाने में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। मुलजिम जमालुद्दीन वल्द कमालुद्दीन, तुम्हारे मुकदमे का बगौर मुताला करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुमने अपने एक साथी प्रताप के हमरा शेठ द्वारका प्रसाद के घर पर डाका डाला और उस पर हमलावर हुए। डाका डालने और सेठ द्वारका प्रसाद का कत्ल करने के जुर्म में अदालत तुम्हें मुजरिम करार देती है, और तुम्हारे दोस्त प्रताप की सजा बरकरार रखते हुए तुम्हें 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। तुमने अदालत का फैसला तो सुन लिया, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए रोती रहो और मैं तुम्हारे आंसू तक न पहुंच सकूं। कदमों से खाक अलग नहीं होती जमाल, मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी हूं और हमेशा रहूंगी। चलो डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब, जमाल कहाँ है, अदालत ने क्या फैसला सुना है, आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है, कुछ तो कहिए। प्रताप तुम्हारे दोस्त को अदालत ने 5 साल की सजा दी है।
प्रताप के ले जाओ। क्या नाम है बेटे आपका? आशा। आशा बहुत अच्छा नाम है। आप जेलर साहब की बेटी हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? कैदी नंबर 522। ये तो नंबर है, अगर आप अपना नाम नहीं बताओगे तो हम आपको कैदी अंकल कहेंगे। अब तो हम नाम बताने वाले ही नहीं है, अब हमको कैदी अंकल ही बुलाओ। आशा मम्मी चल अंदर चल, जब देखो तब खेलती रहती है। तुम्हें कितनी बार समझाया ना उन कैदियों के पास मत जाया करो, पता नहीं उन्हें कौन चोर हो, कौन खूनी हो, कौन लुटेरा। नहीं नहीं मुझे कुछ मत करना। अरे आशा क्या हो गया, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं ये लॉक की चेन तो ले लो, मगर मेरा गला मत दबाना, मुझे मारना मत। क्या कह रही हो तुम बेटे, मैं तुमको क्यों मारूंगा? मम्मी ने कहा है मुझे चोर और खूनी लोग पहले बड़े बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर ये छीनने के लिए उनका गला तक दबा देते हैं। नहीं बेटे नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो आपके कैदी अंकल हैं। मैं तुम चोर हो, बुरे आदमी हो, खूनी हो। नहीं बेटे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर तुम जेल में क्यों आए? तुमने चोरी नहीं की, तुमने खून नहीं किया, तुम बुरे आदमी नहीं हो। क्या बात है जमाल, यहां क्यों खड़े हो? जेलर साहब मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दीजिए। मगर क्यों? जेलर साहब मैं बड़े से बड़ा दुख दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आज आपकी बेटी आशा की आंखों में अपने लिए नफरत देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा मैं इतना घिरा हुआ हूं, इतना बुरा इंसान कि छोटी सी बच्ची भी नफरत से देखे मुझे, मुझे चोर खूनी बुरा कहकर पुकारे। जमाल वो अभी बच्ची है, मैं अभी उसे बुला के समझा देता हूं। आशा जी दादी। बेटे तुम एक अच्छी बच्ची हो और तुम्हें अंकल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो सॉरी कहो अंकल को। सॉरी अंकल। नहीं बेटे नहीं, सोना दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज है, इससे भगवान बनाए जाते हैं, इंसान खरीदे जाते हैं, कानून बदला जा सकता है, मुजरिम बचाए जाते हैं, मौत टाली जा सकती है और जिंदगी छीनी जा सकती है। सिंगी मौत का पलड़ा भारी है सिंगी, जीत मेरी है, माल तुम्हारा है, लेकिन मालिक मैं हूं। बहुत खूब, हम तो खुद तुम्हें दावत देने वाले थे, लेकिन अब जबकि तुम बिन बुलाए आ ही गए हो तो तुम्हारी खातिर करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा मेहमान नहीं सिंगी, दुश्मन हूं। आज तक मैं तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर दागा का माल बचाता रहा,
लेकिन आज तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा माल लूटने आया हूं। तुम्हारा ये अरमान दिल ही में रह जाएगा प्रताप, क्योंकि यहां आए हुए दुश्मन को जिंदगी छोड़कर मौत अपने साथ ले जाना पड़ती है। हाँ, मौत तो तुम्हारे सर पर मंडा रही है सिंगी, जरा अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखो तो सही। मेरी चुटकी बजते ही ये बंदूकें आग उगलना शुरू कर देंगी। बेहतर ये होगा कि तुम अपने आदमियों से कह दो कि माल इस गाड़ी में रखते हैं। सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मिनट है। माल गाड़ी में रख दो। अकलमंद दुश्मन की भी मैं कदर करता हूं। मैं जा रहा हूं सिंगी, लेकिन तब तक इस जगह से हिलना नहीं जब तक इस गाड़ी की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजती रहे। आज तो तू मेरा माल लेकर भाग गया, लेकिन जिस दिन मैं आऊंगा माल और जान दोनों लेकर जाऊंगा। अरे आशा, क्या हुआ आशा? बच्ची को क्या हुआ आशा? जरा सामने बच्ची को क्या हुआ आशा? क्या हुआ आशा? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए जनरल साहब, आप अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिए। क्या मतलब है आपका इस बात से? जनरल साहब, मैंने उसके तमाम एक्सरेज और टेस्ट देखे हैं, उसे खून का कैंसर है। मम्मी, अब मैं कभी बीमार नहीं होंगी ना? ठीक हो गई ना मैं? हाँ बेटे, अब तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी, कभी नहीं पड़ोगी, कभी नहीं बेटा। अभी बेटे आशा, थैंक यू वेरी मच। अरे तुम्हें तो इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंट मिले, तो क्या सबने मुझे इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंट दिए? चलो आशा बेटी, अब केक काट लो। नहीं मम्मी, मैं नहीं काटूंगी जब तक कैदी अंकल नहीं आएंगे। अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल। ये हमारी तरफ से जन्मदिन का तोहफा। थैंक यू अंकल। चलो अब केक काटे। चलो बेटे, अब तो केक काट लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। अंकल आप जी एक ही नहीं, इतनी बड़ी हो जाओ। बड़ी हो जाओ। अंकल एक गाना भी सुना दो ना। जिंदगी तेरा प्यार मेरी
ही तुझ पे है कुर्बान। प्यार दूं अपनी हर खुशी को तेरी जिंदगी पे वार दूं, यही आरज़ू है दिल की तुझे इतना प्यार दूं अपनी हर खुशी को तेरी जिंदगी पे वार दूं। तेरा प्यार मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, जिंदगी तुझपे है कुर्बान, जिंदगी तुझपे है एहसान कर दे, खुदाया तू बस इतना एहसान कर दे, जमाने की खुशियाँ इसके दामन में भर दे। तेरा प्यार मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, जिंदगी तुझपे है कुर्बान, ओ जिंदगी तुझपे है कुर्बान। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर खान, मैं डागा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्रताप, तुम्हारी कामयाबी ने एक बूढ़े दरख्त की जड़ों में पानी दे दिया। जब से तुम हमारे साथ काम कर रहे हो, हमारा माल भी सही जगह हिफाजत से पहुंच जाता है और सिंगी भी दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। डागा साहब, यूँ समझ लीजिए कि आपको अर्जुन का वो तीर मिल गया है जो एक एक करके आपके सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। लेकिन अभी तीर और कमान अलग अलग हैं। मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूं और इसके लिए मैंने जमाल को जेल से फरार करवाने का प्लान बनवा लिया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दागा, पुलिस ने चारों तरफ से तुम लोगों को घेर रखा है। बेहतर यही होगा कि तुम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। दागा, मैं तुम लोगों को 25 सेकंड देता हूं। 1, 2 34 35
राधा साहब। आंख बंद हो मेरी एक बात सुन लो, यहां सब मेरे दुश्मन हैं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम मेरे शहर गोपालपुर चले जाओ, वहां मेरा कोई दुश्मन नहीं और तुम्हारा भी कोई दुश्मन नहीं होगा। आज से मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरी सारी चीजें, ये सब तुम्हारे लिए है। जागे साहब। जागे साहब, तुमने मुझको बाप से भी ज्यादा प्यार दिया है, मैं तुमको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। खोलो बेटी, देखो कौन आया है। बेटा, कैदी अंकल आए हैं। बेटा, आशा, आशा, अंकल। हाँ बेटे। अंकल, मुझे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटे, आपको आपको कुछ नहीं हुआ? कहती हूँ अंकल, देखो ये क्या है, मैंने आपके लिए पैसे जमा किए, कल नहीं बनना, अच्छे आदमी बनोगे ना, ये लो। हाँ बेटे, जो तू कहेगी मैं करूंगा। सच अंकल? हाँ, मैं वादा करता हूँ तुझसे, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने आप को भूल जाऊंगा लेकिन तेरी ये बात कभी नहीं भूलूंगा। वो गाना सुना ना अंकल, जो मेरे बर्थडे पे गाया था। तेरे बाद तेरी बातें
बेटी आज तुझे देखकर जी चाहता है कि बलाई ले लूं, कि वाह इंतजार एक दिन थक जाएगा पर तू नहीं थकेगी। उंगलियों पर दिन गिन गिन कर बरस काटती है तू। बरस तो क्या माँ, उनकी याद में सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। खुदा ना करे अब तो उसकी रिहाई के दिन भी करीब है। हाँ माँ अब तो सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और ये दिन भी पलक झपकते गुजर जाएंगे। साहब क्या है? बहुत अच्छी खबर है, आपका दोस्त जेल से छूटने वाला है। क्या जमाल जेल से रिहा हो रहा है? जी साहब। यानी कि मेरा यार मेरा दोस्त जेल से रिहा होने वाला है। ऐसी खबर सुनाई तूने कि अगर बस चले तो मेरा दिल करता है तुम पर जान निछावर कर दो। ये लो लो तुम लोग भी बांट लो और मेरे यार के स्वागत का ऐसा इंतजाम करो कि उसके उठते हुए हर कदम ये महसूस करे कि उसके चारों तरफ प्यार ही प्यार बिछा हुआ है। जी बहुत अच्छा साहब। चलो भाई चलो। जमाल जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा है। इस कुर्सी पर तुम बैठोगे और इस कुर्सी पर मैं और इन कुर्सियों पर बैठकर हम दोनों यहां से दुनिया पर राज करेंगे। जमाल जा रहे हो? हाँ उस्ताद। शोरूम की आग में जला हुआ तुम्हारा यह चेहरा क्या लोग फूल चुके होंगे? हरगिज नहीं, लेकिन अगर जमाने की हवाओं के डर से चिराग जलना बंद हो जाए तो दुनिया से रोशनी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम इस दुनिया को नहीं जानते। यहाँ के लोग बेजान पत्थरों की पूजा करते हैं और जानदार लोगों पर पत्थर फेंकते हैं। क्या तुम उन सालिमों के पत्थर बर्दाश्त कर सकोगे? प्यार के बदले नफरत और शराफत के बदले गालियां खा सकोगे तुम? जब अच्छाई का सवेरा होना शुरू होता है तो रात का अंधेरा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाता है। जमाल अगर नया रास्ता चुन ही लिया है तो अच्छा है नई जगह नए लोगों के साथ जाकर रहो। अगर चाहो तो मेरे गांव गंगापुर भी जा सकते हो, वहां मेरी बेटी है राधा, वो अंधे रहमान चाचा के साथ रहती है। लेकिन जमाल उससे ये कभी मत कहना कि तुम मुझे जानते हो। अच्छा उस्ताद मैं चलता हूं। जमाल तुम्हारे अच्छे स्वभाव और नेक चाल चलन की वजह से सरकार ने 6 महीने पहले ही तुम्हें रिहा कर दिया है। ये सब आपकी मेहरबानी और सिफारिश का नतीजा है। वो तो मेरा फर्ज था और मैं उम्मीद करता हूं तुम भी अपना फर्ज नहीं भूलोगे। ये रही तुम्हारी अमानत। कहती हूँ कि कभी बुरे आदमी नहीं बनना। चलो साहब जिस्म तो मर के खाक में मिल जाता है लेकिन रूह हमेशा जिंदा रहती है। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो आशा की रूह मुझे देख रही होगी। मैंने उससे जो वादा किया है मैं कभी नहीं भूल सकता। चलो साहब यहां से जाने वालों के चेहरों पर खुशी होती है लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहां से एक नेक और अच्छे इंसान बन के जा रहे हो। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। Thank you.
संभाल मेरे दोस्त। कितने सालों बाद हम दोनों इस तरह मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तू इस तरह मेरे सामने खड़ा है। बहुत याद आ रहा है। इतने सालों में सिर्फ तेरे कपड़े बदले हैं, तू वैसा का वैसा ही है। जमाल, तू मेरे पास नहीं था, मगर मैं तेरे ख्यालों में गुम एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां हम दोनों के ऐशो आराम के लिए बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ है। तेरा दोस्त एक शहर का बेताज बादशाह बन गया है। वो जहां से भी गुजरता है हजारों सर झुककर उसे सलाम करते हैं, और आज वो सब तेरे स्वागत के लिए बेकरार है। चल मेरे साथ चल। नहीं मेरे दोस्त जमाल, मैं तेरे स्वागत के लिए एक ऐसी राह पर खड़ा हूं जिस पर से तू गुजरा भी नहीं। ऐसी कौन सी राह है? सच्चाई और ईमानदारी की राह, जिस पर चलकर आदमी इंसान बन जाता है। शैतानों की दुनिया में तू इंसान बनने चला है? कोशिश करने चला हूं, और मैं चाहता हूं कि इस कोशिश में तू मेरा साथ दे। तो क्या चाहता है? मैं अपने सारे कारोबार को आग लगा दूं, सारा पैसा नाली में बहा दूं, 10-10 रुपए के लिए फिर से मैं लोगों की जेबें काटूं, और फिर खास्ते खास्ते फुटपाथ पे अपना दम तोड़ दूं। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलकर दम तोड़ने वाले कभी नहीं मरते प्रताप। ये अफवाह भी दौलत वालों की ही फैलाई हुई है, तो इस धोखे में कैसे फंस गया? ये धोखा नहीं है, ये जिंदा हकीकत है जो मासूम लबों से निकली और मेरे दिल में उतर गई, और मेरी जिंदगी से गुनाहों का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये तेरे दिलो दिमाग का भ्रम है। जिंदगी के अंधेरे सिर्फ दौलत से ही कम होते हैं। किस्मत ने वक्त के तराजू में एक तरफ दौलत रखी है और एक तरफ दोस्ती, और आज तुझे फैसला करना है कि तुझे दौलत चाहिए या दोस्ती। जमाल, एक बार मैंने तेरी बात मान ली और मैं बरसों तुझसे जुदा रहा, लेकिन इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। उस बार तो हम सिर्फ जुदा हुए थे, अब अलग अलग हो रहे हैं। जमाल, मेरी बात सुन। जमाल, मुझे छोड़ के मत जा। जमाल, जमाल रुक जा मेरे भाई। जमाल, मुझे छोड़ के मत जा। जमाल, पार लगाना भाई। भाई दिया, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। मुझे यहाँ सितारा रहा करती थी, वो जो बेचते थे दवाएं दर्दे दिन, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। पता नहीं वो गाना बजाना बंद करके कहाँ चली गई।
भैया, ना आने वाले का मातम कैसा? आप ऐसे दोस्त के लिए परेशान हो रहे हैं जिसे ना आपका ख्याल है और ना आपकी दोस्ती की कद्र। अरे वो आपको भूल गया है, आप भी उसे भूल जाइए भैया। आज से अपनी हर चीज पे से उसका नाम मिटा दीजिए, हर जगह। आज से मैं अपना नाम लिखूंगा। अब उसके बदले यहाँ की हर चीज का मैं हकदार बनूंगा। मैं आपका वो दोस्त नहीं, इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, मैं। नागेश, तुम मेरे सर पर बैठ सकते हो मगर इस कुर्सी पर नहीं। ये कुर्सी मैंने अपने दोस्त के लिए बनवाई है, उसके सिवा और कोई नहीं बैठ सकता इस पर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपने उस बेवफा दोस्त के लिए अपने छोटे भाई से दबाव जा जाते। Thank you.
मिलिए, ये है मेरे अंकल मिस्टर सिंह जी। हाउ डू यू डू, ग्लैड टू मीट यू। और ये है मेरे दोस्त नागेश, प्रताप के भाई। अच्छा 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 अच्छा, आपके भाई और उनकी दौलत की बहुत शोहरत सुनी है मैंने। सुनी होगी, मगर मैं अपने नाम से पहचाना जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। अंकल, वो बात दरअसल ये है कि आज इनका मूड ऑफ है। क्यों? अपने भाई से झगड़ा करके आए हैं। अरे भाइयों भाइयों में ऐसा हो ही जाता भाई। भाई सगे हो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन नागेश उनके सौतेले भाई हैं और ये अब तक बेफिक्र थे कि भाई के होते हुए इन्हें करना ही क्या है। फिर तो इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इनके नाम के आगे से इनके भाई की दौलत और उसका नाम कट जाएगा, ये बेचारे बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। मिस्टर सिंह जी, मुझ में इतने गट्स है कि मैं अपने भाई से ज्यादा दौलत कमा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी कि तुम सौतेले भाई के सगे भाई बने रहो, आगे फायदा ही फायदा है। नागेश, अंकल ठीक ही कह रहे हैं। मैं चलता हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ा हूँ। गुड नाइट मिस्टर सिंह, वेरी नाइस मीटिंग यू। गुड नाइट। कल मिल रहे हो ना? डेफिनेटली। गुड नाइट। बाय बाय। चला गया? हाँ। अंकल भतीजी का ड्रामा कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। अगर नागेश हमारे कब्जे में आ जाए तो फिर मेरा इस शहर में आने का मकसद आसान हो जाएगा। जैसे मुझे पता चला कि ये प्रताप का भाई है, मैं उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर यहां तक ले आई। तो अब तुम उसके दिल में प्यार बन के उतर जाओ और मैं प्रताप चौहान की जिंदगी में धीरे धीरे कैंसर बन के फैल जाऊंगा। हाँ तो फिर रंगीले ठाकुर, आज रात बारात कहाँ जाइए? राजा, पहले तुम हमारे दूल्हा बनने का इंतजाम करो, दुल्हन हम खुद ढूंढ लेंगे। कौन? हम बारात लेकर आए हैं अपनी राधा रानी से शादी करने। उल्टे पांव लौट जा रंगीले, वरना ठीक नहीं होगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। चाचा, तू फिक्र मत कर बेटी, मेरे होते हुए ये हराम दादा कुछ नहीं करता। दरवाजा खोल, अरे खोल दरवाजा। हर चीज नहीं, खबरदार जो कदम भी आगे बढ़ाया, चल हट जा। कुछ वाला बुड्ढे को बहुत फड़फड़ा रहा है। और तुम कहाँ चली राजा रानी, तुम्हारी जगह तो यहाँ है। मेरी बेटी को छोड़ दो। देख रंगीले, आगे मत बढ़ना वरना मर जाएगा मेरे हाथों से। अरे वारे मेरी फूलन देवी, अपना सुहाग उजाड़ोगी तो विधवा नहीं हो जाओगी, आज तो हम ना छोड़ेंगे। अरे मेरी गुल बदन, अरे मेरी जान, अब कहाँ जाओगी? पंडित मंत्र शुरू करो। कौन है बेटू? शैतानों के लिए शैतान और इंसानों के लिए फरिश्ता। तू इस मासूम की जिंदगी से खेलने आया था कमीने, अब मैं तेरी जिंदगी से खेलूंगा और तेरे ये चमचे भी तुझे बचा नहीं सकेंगे। बहुत बड़ी बात कर गया रे तू। रंगीले से टकराने वाले को इस गांव में तो क्या, इस धरती में भी जगह नहीं मिलती, और अब तेरा वक्त आ गया है। मंत्र पढ़ूं क्या? Thank you.
खबरदार जो दोबारा इस गांव की किसी लड़की पर नजर उठाए, आंखें निकाल के रख दूंगा, समझे? रंगीले ठाकुर, अब जरा भाग के दिखा। देख लूंगा एक दिन। बेटी रह गया क्या? हाँ चाचा। वाकई तुम रहमत के फरिश्ते हो, जो है मौके पर आकर तुमने हमारी मदद की। चचा, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। हाँ, लेकिन बेटे तुम हो कौन? तकदीर का मारा हुआ एक इंसान, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये जरूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून के ही हों, इंसानी रिश्तों से ही ये दुनिया आबाद है बेटा। अब मुझे ही देख लो, कल इस घर में पनाह मिली थी और आज इस बच्ची से मेरा एक बाप का रिश्ता है, और फिर क्या तुमने राधा की इज्जत बचाकर एक भाई होने का सबूत नहीं दिया? मुझे खुशी है कि आपने अपने दिल में मुझे जगह दी। दिल के साथ साथ इस घर में भी जगह है तुम्हारे लिए। अब से तुम यही रहोगे हमारे साथ। और मैं तुम्हारी बहन हूं। आज के बाद ये कभी नहीं कहना कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं। ये राखी सदा गवाह रहेगी इस पवित्र रिश्ते की। आप अभी तक जाग रहे हैं? सोया ही कहो। गुस्से में आकर अगर मेरा हाथ तुझ पर चल भी गया तो उसकी इतनी बड़ी सजा, घर ही छोड़कर चला गया तू, इतना भी नहीं सोचा कि तेरे भाई के दिल पर क्या गुजर रही होगी? ये देखते देखते सारी रात गुजर जाती है कि मेरा भाई अभी आएगा, अभी आएगा, मगर तू वापस नहीं आया। अगर तू अब भी मुझसे नाराज है तो फिर कर वही सलूक जो मैंने तेरे साथ किया। भैया I'm very sorry भैया, मुझे छोड़कर मत जाना नागेश, कभी नहीं। राधा, ओ राधा, क्या बात है? कहाँ छोड़ गई राधा? उठा इसको मुंह में डाल। लेकिन बात क्या है? मुबारक हो, मुबारक हो राधा, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे खुशी की बात ही है, तेरी मंगनी पक्की करके आया हूँ। मैं तुझे अपने हाथों से डोली पर बिठाऊंगा, ऐसे धूमधाम से तेरी शादी कराऊंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा, और फिर शाम के इतने बड़े घर में मेरी राधा मालकिन बनी इधर उधर हुक्म चलाया करेगी। और फिर एक दिन आएगा जब चांद सब मुन्ना आएगा मेरी राधा के आंगन में, मुझे मामा 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 कहके पुकारेगा। मैं तो खुशी के मारे क्या हुआ भैया? एक दुख है, तेरे बिना ये घर बिल्कुल सुना हो जाएगा, कोई मुझे डांटने वाला ही नहीं होगा कि एक रोटी और खाओ, इतनी देर से क्यों आए। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, पहले एक चांद सी भाभी लाऊंगी अपने भैया के लिए। चांद नहीं, वो तो सितारा थी। लेकिन बाबा, मेरी जिंदगी अब तक कांटों की तरह है। मैंने अपनी मुराद के लिए हजारों दरगाहों पर हाजिरी दी है, दर दर फिरी हूं मैं। इस आस्थाने से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। लेकिन बाबा, मेरी एक ही तो मुराद है, मेरा जमाल मुझे मिल जाए।
खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यहां वली दावा तेरा करो। खुश रहो। आज तो तेरे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी जल्दी हो जाएगी। आप खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। बाबा, मेरी मुराद पूरी हो गई, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारी हर आरज़ू पूरी हो। कैसर भाई, मैंने सुना कि तुम यहाँ आई हुई हो। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया कि आज मेरे बेटे की सगाई है। सितारा से कह दो कि वो आज ऐसा मुजरा करे कि ये जश्न लोगों को बरसों याद रहे। ये लो 5,000 रुपए। ठाकुर साहब, सितारा ने मुजरा करना छोड़ दिया है, ये आप अपने रुपए वापस रख लीजिए। माँ जी, पैसे ले लो, मैं मुजरा करूंगी। क्या कह रही है तू? जमाल इसी गांव में है, मगर अब वो किसी और का हो गया है। बेटी, हम जैसी औरतों पर जब ऊपर वाला मेहरबान नहीं तो इंसान क्या मेहरबान होगा? अब ना मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत है और ना किसी की प्यार की। वो सितारा मर गई जो किसी जमाल को जानती थी। अब तो मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरी जिंदगी एक ऐसी काली रात है जिसका कोई सवेरा नहीं, और जब अंधेरे ही मेरा मुकद्दर है तो मुझे इन घुंघरुओं को चिराग बनाना होगा।
क्या बात है, महफिल से उठ के यहाँ चले आए? और तुम कहाँ से कहाँ चली आई हो, तुम्हें इसका एहसास है? वो सितारा कहाँ गई जिसने सारी जिंदगी साथ निभाने की कसम खाई थी? कसम तो तुमने भी खाई थी। बेशक खाई थी, और आज भी अपनी कसम पर कायम हूं। लेकिन तुम बेईमान के ईमान की तरह बदल गई। मेरे जेल जाते तुमने फेंके हुए घुंघरू उठा लिए, और उन ग्राहकों को दावत कभी तुम्हें शैतान नजर आते थे? ये झूठ है। ये भी झूठ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एक नंगी तलवार की तरह तुम महफिल में चमक रही थी। काश मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दे सकता, लेकिन नहीं, कुदरत ने खुद तुम्हें सजा दी है। आज तुमने भी वही गंदी काली थी जो सारी दुनिया देती है। मेरे दोबारा घुघरू बांधने की वजह तो पूछ ली होती, एक बार इन आंखों में झांक कर देखा होता जिसने बरसों तुम्हारे इंतजार में खून के आंसू बहा दिए, सिर्फ इसी आस पर कि तुम्हारे आते ही मौत ही मेरे घर का दरवाजा भूल जाएगी। लेकिन तुम जेल से छूटते ही मुझसे आजाद हो गए, मेरी मोहब्बत से आजाद हो गए, और यहाँ रंगरलिया मना रहे हो उस लड़की के साथ जिसके साथ तुम्हें मैंने दोपहर को दरगाह में देखा। सलील औरत, वो मेरी बहन है। खुदाया, ये मुझसे क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई जमाल, मुझे माफ कर दो। गलती किससे नहीं होती, लेकिन अब तो सारे शिकवे गिले दूर हो गए ना। पूछ लो इन आंसुओं को। ये तमायत इस गांव में नहीं रह सकती। ये इस गांव की बहु बेटियों की इज्जत का सवाल है। खुद तो गांव की बहु बेटियों की इज्जत पे डाका डालता है, और आज यहाँ शराफत दिखाने आया है। अरे हम तो अपना घर बसाना चाहते हैं, इस बस्ती को कोठा बनाना नहीं चाहते। चल निकालो उस तमायत को घर से बाहर। तू तो क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो सितारा को इस घर से नहीं निकाल सकता। इस काम के लिए तो हम ही काफी हैं। उस हर्राफा को इस घर से तो क्या, इस बस्ती से बाहर निकाल दें। अबे ओ, एक बार मार का ही बस नहीं हुआ, आज फिर आया तू अपनी मौत को दावत देने। याद रख, घर की चौकट पे कदम रखा तो तेरा चौकटा बिगाड़ के रख दूंगा। तुम गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाओ और हम मुंह देखते रहे, क्या लगती है वो तुम्हारी? वो मेरी बीवी है। क्या सोच रहे हो? कभी कभी ये सोचकर डर लगने लगता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, ये बात अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गई तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। छोड़ो ना यार। नहीं नागेश, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर ये नहीं। शहर में जो इज्जत उसने बनाई है उसे कोई मिट्टी में मिला दे। सलोमे, तुम भी उसको वही समझ रहे हो जो सारी दुनिया समझती है। वो कोई महात्मा थोड़ी है, वो स्मगलर है। सोना बाहर से मंगाता है और चांदी यहाँ से बाहर भेजता है। Really? यकीन नहीं आता? अरे यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लो। आज रात को उसका सोना उतरने वाला है चूना भट्टी में। Thank you.
सिर्फ ये कहने के लिए अपनी भद्दी शक्लें मुझे दिखा रहे हो कि मेरा सोना कोई और ले गया है? जिस रास्ते से मेरा माल आता है वहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये मेरा दुश्मन कौन है? कौन है वो? जब तक दुनिया में बेवकूफ सलामत हैं, अकलमंद हमेशा मौज करते रहेंगे। नागेश इंफॉर्मेशन देता रहेगा तो देख लेना, एक दिन हम ही क्या, सारा शहर प्रताप की तबाही का तमाशा देखेगा। मानते हो ना, मैंने भी क्या आग लगाई है। अरे जान, तुम तो आग हो, तुम्हारा काम ही जलाना है। नहीं ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए, राधा की खुशियां मत छीनिए ठाकुर साहब, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जिस घर में एक तवायफ रहती हो उस घर की लड़की एक राजपूत घराने की बहू नहीं बन सकती। ठाकुर साहब, सितारा की बदकिस्मती की सजा राधा को तो ना दीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए ठाकुर साहब, तरस खाइए उस बेचारी मासूम पर। जब तक वो तवायफ तुम्हारे घर में है हम मजबूर हैं। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, राधा पे रहम कीजिए, उसकी जिंदगी की खुशियां भीख में दे दीजिए मुझे। ठाकुर साहब, उसकी जिंदगी की खुशियां भीख में दे दीजिए मुझे। सितारा चली गई? चली गई कब? शायद रात में गई होगी। मगर मैं तो मैं जाके देखता हूँ स्टेशन पे, गाड़ी का टाइम हो गया। ऐसा कैसे चली गई? सितारा को ले आए। आ गई सितारा? बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? चाचा, सितारा हमसे दूर चली गई। क्या? हाँ चाचा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्यों चली गई छोड़ के हमें? मैं जानती हूँ भाभी क्यों चली गई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बदनामी से मेरी शादी में कोई रुकावट आए। लेकिन भैया, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। तू शादी नहीं करेगी? भाभी की कुर्बानी का ही नहीं, भाई के अरमानों का भी गला घोट रही है तू। ए, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख, रात दिन सोते जागते सिर्फ यही एक ख्वाब देखा है।
कि तेरी डोली अपने हाथों से उठा के विदा करूंगा। अच्छा अच्छा चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे राधा, और कुछ चाहिए तो बोल दे अभी। कौन? कौन हो भाई? मुसाफिर हूँ। मुसाफिर? क्या बात है? यहाँ के जंगलों में शिकार के लिए आया था, बारिश की वजह से सब रास्ते बंद है। अगर रात भर रहने के लिए पनाह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। आइए क्या हुआ चाचा? अंधा हूँ ना। तुम यहाँ आराम करो। राधा जी। चाचा मेहमान आए, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। मैं खाना नहीं खाऊंगा, थैंक यू। अच्छा अच्छा, तो सुबह नाश्ता करके ही जाना है। तुम्हें जाना कहाँ है? गोपालपुर। गोपालपुर? मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा वाला जा रहा था कि बारिश। अच्छा अच्छा, अब आराम करो। है चिल्ला रही है, ले खा घास। देखती नहीं कितनी बारिश हो रही है। लोग क्या हो गया बेटा? कल रात गोपालपुर का एक शिकारी आया, उसने मेरी राधा की जान ले ली। आज मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मालिक ने मुझे अंधा क्यों बनाया। आज मेरी आंखें होती तो मैं अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचा लेता। आज तो मैं उसकी डोली अपने कंधे पर उठाने वाला था। तुम्हारी बहन हूं,
आज के बाद ये कभी नहीं कहना कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं। ये राखी सदा गवाह रहेगी इस पवित्र रिश्ते की। जमाल, जमाल मेरे भाई। आओ जमाल। अरे अंदर आओ ना। ये देखो, ये घर कब से तेरी राह देख रहा है। अगर इन खामोश दीवारों में जुबान होती ना तो ये तुम्हें बताती कि इस घर की एक एक ईंट पर तेरा ही नाम लिखा हुआ है। आओ बैठो। अरे बैठो ना। कल तक मेरी मर्जी चलती थी लेकिन आज के बाद तेरा हुक्म चलेगा। यहां प्रताप, सर उठा के चलने का गुरूर और हुक्म देने की आरजू इस दिल में नहीं रही। बस इतनी तमन्ना है कि जिस रास्ते पर मैं निकला हूं उसकी मंजिल मिल जाए। ये हम दोनों का नाम है जो आज भी चलता है और कल भी चलता रहेगा। और ये पिस्तौल, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो मैंने अपने भाई को दिया था। तेरा भाई मेरी बहन का कातिल है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इस पिस्तौल के जोर पर उस मेरी बहन की आम लूट और अपने गुनाह का सबूत उसकी लाश के पास भूल गया था लेकिन उसने मेरी बहन की जान ली है। अब उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रताप, नहीं जमाल, तू जानता है मैं अपने भाई को जान से ज्यादा चाहता हूं। मैं भी अपनी बहन को बहुत चाहता था प्रताप। वो बहन जिससे मेरा खून का रिश्ता नहीं था लेकिन जिस दिन से उसने मुझे अपना भाई बनाया मैं अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा था उसे। और इसीलिए मैं अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहा हूं राधा के कातिल की तलाश में। और मैं उसका नाम और निशान मिटा के रहूंगा। जमाल, अगर तुझे बता देना ही है तो मेरी जान ले ले अगर मेरे भाई को माफ कर दे। नहीं, हरगिज नहीं। गुनाह जिसने किया है सजा उसी को मिलनी चाहिए। मैं अपने भाई की मौत नहीं देख सकूंगा जमाल। लेकिन मैंने अपनी बहन का मरा हुआ मुंह देखा है और उसकी चिता पर कसम खाई है के उसके कातिल की चिता भी वहीं जलाऊंगा। तो फिर मेरे होते हुए किसी भी कीमत पर यह नहीं हो सकता।
मुझे रोकना तेरे बस की बात नहीं है प्रताप। शायद तुझे नहीं मालूम जमाल, मेरी इजाजत के बगैर मौत भी शहर में दाखिल नहीं होती। लेकिन तेरे भाई की मौत तेरे सामने खड़ी है, और जिस वक्त उस पर नजर पड़ी वो उसका आखिरी वक्त होगा। मैं वक्त की मजबूत कलाई मोड़कर अपने भाई को मौत के पंजे से छुड़ा लूंगा, और तू देखता रह जाएगा जमाल। तो फिर एक हकीकत सुन ले दोस्त, सच्चाई हमेशा जीती है और झूठ हमेशा हारा है। तेरे भाई नागेश का अंजाम चिता है। नागेश भैया, तमीज भैया, आप ये कमबख्त, मेरे प्यार के बदले में मेरे मुंह पर तूने गुनाहों के तालक पोत दी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को तूने सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। नफरत की ऐसी आग लगाई है तूने कि मैं आपका खून बहाकर भी उसे बुझा नहीं सकूंगा। उस देहाती लड़की के लिए आपने मेरी खान उधेड़ दी। रहम किया मैंने फिर भी, क्योंकि मां को दिया हो वचन मैं आज तक नहीं भूला हूं। अच्छा, कुछ दिनों के लिए एक कमरा मिलेगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, उसी के लिए तो बैठे हैं हम। कहिए क्या नाम लिखूं आपका? जमाल। माफ कीजिएगा साहब, आज कोई कमरा खाली नहीं है। मगर अभी तो आप कह रहे थे कमरा है। कमरा है लेकिन आपके लिए नहीं, वो मालिक का कमरा है। देखिए मुझे सिर्फ जाइए जाइए, कह दिया ना, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। जेपी, ये अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे बोल 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 क्यों तोड़ रहे हो? अरे अरे भाई भाई बोल क्यों तोड़ रहे हो? इसीलिए कमरा नहीं है यहाँ। तोड़ दिया बोल बोल क्या? अरे कह देना अपने मालिक से, कह देना अपने मालिक से कि मैं आसमान के नीचे जमीन पर सो जाऊंगा, लेकिन अपनी कसम पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सितारा चलो घर चलो, चलो ना। हेलो प्रताप साहब है? साहब आपका फोन। यस, क्या जमाल सितारा के यहां रुका हुआ है? और जानना चाहोगी? जानना चाहती हो कि राधा का कातिल कौन है? वो है प्रताप का भाई नागेश। जमाल, राधा के लिए जो मैंने कुर्बानी दी थी वो तो बेकार गई, लेकिन तुमने जो कसम खाई है उसे हर कीमत पर पूरी करना, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी जान पे ही क्यों ना खेलना पड़े। जमाल, जंग पर जाने वाले सिपाही को मां की ममता इजाजत देने के लिए मजबूर होती है। सुहागन अपने सुहाग की जुदाई में रोने लगती है, मगर तुम्हारी सितारा ना तो रोएगी और ना ही तुम्हें रोकेगी, इसलिए कि अगर एक कातिल बच गया तो हजारों राधाएं मर जाएंगी। जमाल सर से कफन बांध कर आया है, और तुम्हारा भाई तुम्हारा सर काट कर उसके कदमों में रख देगा, और प्रताप तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। सिंगी साहब, इससे पहले कि प्रताप कुछ करे हमें कुछ करना चाहिए। वो तुम्हारा भाई है, उसके लिए फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा। दुश्मन के साथ अगर भाई मिल जाए तो वह भाई नहीं दुश्मन कहलाता है। तो फिर क्या सोच रहे हो? यही कि प्रताप को कानों कान खबर ना हो और मैं जमाल को रास्ते से हटा दूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? क्यों, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें मेरे मशवरे पे चलना होगा। आइए हुजूर, आप और मेरे यहां। हाँ,
जिंदगी भर जिन सीढ़ियों पर कभी ना चढ़ने की कसम खाई थी, आज हमने वो भी तोड़ दी है। अपने दोस्त के लिए, सिर्फ जमाल के लिए। तुम किसी भी तरह से यहां से लेकर चली जाओ। वाह, लोगों की आंखें मरते दम फिरती हैं। आपने तो जीते जी आंखें फेर ली। अगर मैं आंखें फेर लेता तो मुझे तुमसे ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि जमाल को लेकर यहां से चली जाओ। ये मत भूलो कि शहर में सिक्का सरकार का चलता है और राज मेरा। अच्छा, तो आप अपने दोस्त पर एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं, अपना फर्ज पूरा करने आया हूं। इसलिए कि दोस्त जिंदा रहेगा तभी दोस्ती कायम रहेगी। और आपके भाई के गुनाहों पर पर्दा भी पड़ा रहेगा। इसका मतलब तो जमाल के दिल में सुलगती हुई बदले की आग को हवा दे रही है। और तुम जिस आग को बुझाने आए हो वो तुम्हारे भाई की चिता जलने के बाद ही ठंडी होगी। सितारा, चीखो मत। तुम्हारे चीखने से मेरी आवाज दबने वाली नहीं, क्योंकि ये उस मरने वाली की आह है जो आसमान से टकराने की ताकत रखती थी। लेकिन शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। देख रही हूँ तुम्हारी ताकत। इस शहर का राजा एक तवायफ के आगे अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रहा है। सच कहा तूने। आज तक तवायफों ने किसी की जिंदगी बनाई नहीं, बिगाड़ी है। किसी का घर बसाया नहीं, उजाड़ा है। तुझ जैसे औरतों ने किसी की जिंदगी में उजाला नहीं, अंधेरा फैला है। और उस अंधेरे को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तेरी मौत। की मौत की बात करने वाला ये भूल गया कि वो अपनी मौत खुद साथ लाया है। शायद जमाल के हाथों तेरे भाई की मौत है और मेरे हाथों तेरी। ये मेरा दोस्त है सितारा। हमारे दरमियान फासले बढ़े हैं लेकिन दोस्ती कम नहीं हुई। होश में आ जाए तो इसे बता देना कि घर तक पहुंचाने का फर्ज तो दोस्ती ने पूरा कर दिया लेकिन इसके भाई को चिता तक पहुंचाने की दुश्मनी अभी बाकी है। नागेश बोल रहा हूं। तुम्हारी सितारा इस वक्त मेरे कब्जे में है और अभी मैं उसकी खूबसूरत जवानी की धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं। तू भी देखना चाहता है तो आ जा। मगर कहां, ये तुझे गली की नुक्कड़ पे लगे पब्लिक टेलीफोन से पता चलेगा। हेलो, पहुंच गया? चल अब अगले टेलीफोन पर पहुंच जा। हेलो, शाबाश। अब एक काम कर, इसी रास्ते पे जो आखिरी बिल्डिंग है वहां चला। सिंह साहब वो पहुंच रहा है। पहुंचने दो, से पहुंचते ही उसे ऊपर पहुंचा देंगे। खड्डा खोद के साले को यहीं गाड़ देंगे, फिर तुम्हारे सर से मौत का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। Then I'll be a free man! मैं आजाद हो जाऊंगा। तेरा यार आ रहा है मगर
तुझे भी मरना होगा। तेरी खबर मैं बिल्कुल उसके बराबर में बनाऊंगा। दोनों आशिक माशूक की कब्रें साथ साथ, मगर मरने से पहले एक और अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। नागेश, कौन है तू? तुम्हारी मौत जमाल तो तू है हरामजादे। मेरी मौत नहीं, मेरी मौत नहीं, मैं तेरी मौत हूं। अब मैं तुझे मार के तेरे खून से नहाऊंगा। चाहूं तो तेरी इस पिस्तौल की सारी गोलियां भी तेरी छाती के अंदर उतार दूं और फिर तेरी लाश को ठोकरें मारता फिरूं, लेकिन नहीं, तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा मैं। अपनी मरी हुई बहन से वादा किया है मैंने कि तुझे कुत्ते की तरह घसीट कर वहां तक ले जाऊंगा जहां उसकी चिता जली थी, और वहां तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। तू मुझे मारेगा? अरे मुझे मारना तो बहुत बड़ी बात है, आज तक तो अपनी क्षमा की इज्जत भी नहीं बचा सकेगा। तूने अपनी बहन की आबरू लुटते नहीं देखी थी ना? महाराज, तेरी इस बुलबुल के पर मैं तेरी आंखों के सामने नोचूंगा, इसके जिस्म से खेलूंगा, और जब मेरा दिल भर जाएगा तो अपने इन आदमियों के सामने फेंक दूंगा। नगेश, वो आदमी तुम्हारे नहीं मेरे हैं और मेरे लिए काम करते हैं, वो तुम्हारे इस घिनौने गुनाह में शामिल नहीं होंगे। सिंघी साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें खूबसूरत धोखा दे रहा हूं। तुम तो मेरे दोस्त हो। जिसका वक्त बुरा होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। तुम अपने गुनाहों की सजा भुगतो, मुझे और भी जरूरी काम है। चलो सिंगी, तुम धोखेबाज रुको। सिंगी, तेरा आखिरी वक्त आ गया है नागेश, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। आगे नहीं बढ़ना तो इसे जान से मार दूंगा। छोड़ दे उसे, मैं कहता हूं छोड़ दे उसे। मार दूंगा। जमाल रुक जा, मैं कह रहा हूं छोड़ दे उसे। हरामजादे, ये ले, ये मेरे बहन की इज्जत लूटने की, ये उसकी जान लेने के लिए, ये सितारा की इज्जत पर हाथ डालने का। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। आज की रात तेरे गुनाहों के सजा की रात है और कल की सुबह तेरी मौत का दिन। तेरी चिता के शोले आसमान को छुएंगे कमीने। मौत और दुश्मन के आने का कोई वक्त नहीं होता प्रताप चौहान। दागा की दौलत हत्या कर शहंशाह बने हुए साले, लेकिन आज तुम्हें वो सारा माल लौटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। आज मैं तुम्हारी लाश गिराकर तुम्हारा सारा माल समेट कर ले जाऊंगा, और तुम्हारी मौत पर रोने वाले भाई नागेश को तो मैं पहले ही जमाल के हवाले कराया हूं बेटा। सिंघी, तो मेरे घर में नहीं, शेर के गार में आया है। तेरी पिस्तौल से निकली हुई सारी आग
मैं पानी की तरह पी जाऊंगा और तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। चिल्लाओ, यहां तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मैं अपने भाई को साथ ले जाने के लिए आया हूं। नहीं, हर किस नहीं, पहले मैं इस नाग को आग से जला दूं, फिर इसकी लाश ले जाना यहां से। नहीं जमाल, भैया नहीं, भैया बचाओ भैया। जमाल जिद छोड़ दे। जिद छोड़ी जा सकती है दोस्त, कसम नहीं तोड़ी जा सकती। मुझे मजबूर मत कर जमाल, मेरा हाथ उठ जाएगा। वरना गोली चल जाएगी। चला गोली, जब तक ये जलकर भस्म नहीं हो जाता मौत भी मुझे नहीं मार सकती। मुझे मजबूर मत कर जमाल, मैं वाकई गोली चला दूंगा। नागेश, खबरदार तो नहीं गोली चलाई तू। अगर भाई को बचाना मेरा धर्म है तो दोस्त को बचाना मेरा फर्ज है। नहीं, तुम बीच में मत आना, वरना अगर तुम्हें भी गोली मार दूंगा। तू अपने भाई को गोली मारेगा? हाँ, सुन लिया प्रताप, देख लिया, भाई के नकाब के पीछे छुपे दुश्मन को, यही तेरा भाई है प्रताप, जिसे पालने के लिए तूने अपना खून पसीना बहाया, और तेरी इन कुर्बानियों के बदले आज ये तुझे मारने के लिए खड़ा हो गया। ये तेरा भाई नहीं है प्रताप, ये शैतान है, शैतान, और शैतान का सर कुचल के उसे मार देना चाहिए। शैतान कभी नहीं मरता,
वो तो अमर है। मैं जिंदा रहूंगा, अब तुम दोनों अपनी खैर मनाओ। नमक हराम, काश मैंने बचपन में ही तुझे सड़कों पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया होता। चलो, आंखें बंद होने से पहले तुम्हारी आंखें तो खुली। कुछ दिन मेरे इशारों पे सिंगी तुम्हारा माल लूटता रहा और बाकी का मेरे हिस्से में। और तुम दोनों के हिस्से में मौत। नहीं नागेश, प्रताप, ये तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं जवान, तेरा साथ ना देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है दोस्त। तू सच्चाई के रास्ते पे जा, अपनी कसम पूरी कर। जा जमा, मेरी फिक्र मत कर, जा जा। मुझे इस रास्ते से बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी बहन की आबरू लूटी है, उसकी जान ली है और अभी अभी अपने भाई का खून किया है। लेकिन तुम्हें कानून को हाथ मिलने का कोई हक नहीं। बंदूक के नीचे भाई, तो नहीं तो इंस्पेक्टर की खबर उड़ा दूंगा। जवाब, तू मुझे मारने आया था? देख, अब ये इंस्पेक्टर ही मुझे यहां से लेकर जाएगा। तूने मुझे माफ कर दिया ना? प्रताप, मेरे भाई।